कसदयाल यादव, इस भाई ने जो पोस्ट डाली है ना, अपने आप को शेर साबित करा है, लेकिन भाई ने किस तरीके से पोस्ट पे माफी भी मांग ली, फिर उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। डिलीट मारने की इनके प्रेशर में हम डालते हैं पोस्ट, हमारे तो पोस्ट पे कोई ना कुछ करता है और कहता है तो भैया ऐसी ऐसी गालियां देते हैं, ऐसी ऐसी गालियां देते हैं ना, उसे इस्लामोफोबिक बताया, वो कह रहा है कि वो इस्लामोफोबिक। अरे हमें बताना तू, एक बच्ची के चाकू फंसा दिया तूने 20-25 जादियों ने, हमें बता तू इस्लामोफोबिया, हमें बता, माँ का दूध पहले हमें बोल के दिखा तू, हमारे हिंदू समाज की लड़की थी वो, ऐसे चाकू फंसाएंगे हमारी बच्चों में, माँ का दूध पे हमारे सामने आ चाकू लेकर के, हमारी बहन बेटियां रोकेंगे चाहे कितना भी बोल ले वो। 57-58 कंट्री इस्लामिक लगी हुई है देश को गजवा हिंद बनाने में, केवल ऑफ केवल हम 100-110 करोड़ हिंदू हैं, इस देश को गजवा हिंद नहीं होने देंगे। ये तुम्हारा सेकुलर था, तुम्हारा केवल चुनाव का अमली जामा था। भारत के युवाओं ने ठान लिया है कि हिंदू संकल्प लेगा, हिंदू राष्ट्र का जवाब देगा ऐसे लोगों को जो तुमने चुनाव के अंदर वोट प्राप्त करने के लिए, सरकारों को बनाने के लिए, हिंदुओं को मूर्ख और नपुंसक बनाने के लिए तुमने सेकुलर बनाया। आप मत डरो किसी से, ये देश का युवा तुम्हारे साथ खड़ा है और खेल से तुम्हारी पहचान है। आपने तथाकथित प्रोग्रेसिव वर्ग से ये सुना होगा कि इस देश के कॉमेडियन पॉलिटिकल कॉमेंट्री या पॉलिटिकल कॉमेडी एक्ट क्यों परफॉर्म नहीं करते। आपने ये भी सुना होगा कि इस देश के सुपरस्टार सेलिब्रिटी कोई पॉलिटिकल रिलीजन स्टैंड क्यों नहीं लेते, उस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं करते। आज इसका जीता जागता उदाहरण हमने देख लिया कि वो क्यों नहीं करते। यश दयाल एक खिलाड़ी हैं, गुजरात टाइटन्स की तरफ से खेलते हैं, रिंकू सिंह ने उन पर 5 छक्के मारे थे, रिंकू सिंह बहुत फेमस हुए थे, साथ ही साथ यश दयाल भी फेमस हुए। उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लव जिहाद के ऊपर बात की और लिखा कि मैं जानती हूँ मेरा अब्दुल अलग है, और उसके बाद जो हुआ वो ट्विटर ने देखा। यश दयाल को भारी मात्रा में ट्रोल किया गया, उन्हें गालियाँ दी गई, उनके दिमाग को सड़ा हुआ बताया गया, इस हद तक उन्हें ट्रोल किया कि कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने अपने पोस्ट को ना केवल डिलीट किया बल्कि माफ़ी भी मांगी। अब मैं इस वक्त कनॉट प्लेस में हूँ, यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि यश दयाल के पोस्ट पे और माफ़ी पे उनका क्या स्टैंड है। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू है भाई साहब। विजय जी, क्या देखा आपने, यश की जो स्टोरी है वो सही थी या गलत? यश दयाल यादव, इस भाई ने जो पोस्ट डाली है ना, अपने आप को शेर साबित करा है, लेकिन भाई ने क्यों प्रेशर में आकर के किस तरीके से पोस्ट पे माफी भी मांग ली, फिर उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया क्या उसने? क्यों करा भाई, हम साथ में हैं, और जब हम साथ में, इस देश का 120-130 करोड़ आदमी साथ में हैं, ये केवल ऑफ केवल औरंगजेब की औलाद आपके साथ नहीं है ना, ये मुगलों की औलाद आपके साथ नहीं है ना, आपको उनके साथ की जरूरत है क्या भाई? अरे हम हिंदुस्तानी, हम भारतीयों के, हम हमारे साथ है तुम्हारे साथ। आज मेरे देश का कपिल देव या सचिन तेंदुलकर या कैप्टन धोनी या अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या सलमान खान या आमिर खान या अमिताभ बच्चन या अजय देवगन या बड़े बड़े स्टार जिनको हम इन नलायकों को स्टार मानते हैं, केवल ये क्रिकेटर को छोड़ करके, अगर ये पोस्ट डालेंगे सच के ऊपर, ये बताएंगे कि तुम्हारा भी अब्दुल वैसा ही है, अगर ऐसी पोस्ट डालते हैं लोग, उसको डिलीट मारने की इनके प्रेशर में वो 4-5 कमेंट कर दी। मैं उन लोगों को ही बोलना चाहता हूँ भाई, उस कमेंट पे आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया, उस पे उसके ट्विटर हैंडल पे क्यों नहीं जवाब दिया उनको? मुंह तोड़ जवाब देना था, इस पोस्ट को दोबारा डालो, नहीं डालेंगे तो हम डालेंगे, और हमने तो रेगुलर डाल रखी है, कोई हमें तो ट्रोल करके दिखाया। हमें उसे इस्लामोफोबिक बताया, वो कह रहा है कि वो इस्लामोफोबिक। अरे हमें बताना तू, एक बच्ची के चाकू फंसा दिया तूने 20-25 जादियों ने, हमें बता तू इस्लामोफोबिया, हमें बता, माँ का दूध पहले हमें बोल के दिखा तू, हिंदू बच्चों के सारे शरीर के अंदर चाकू फंसा दे रहे हैं जादू, हमें बता। गुस्सा आती है भाई साहब, गुस्सा आती है, और गुस्सा क्यों नहीं आएगी? हमारी समाज की बेटी थी, हमारी बेटी थी वो, हमारे हिंदू समाज की लड़की थी वो, ऐसे चाकू फंसाएंगे हमारी बच्चों में, माँ का दूध पे हमारे सामने आ चाकू लेकर के, हिंदू मर रही है इस देश में, हिंदू अपने शौर्य का पहचान क्यों नहीं रहे? आज इस देश के अंदर हिंदू बच्चे एक से एक बब्बर शेर बच्चे आकर के बच्चों को रोक रहे, और समाज इकट्ठा हो रहे, बाइकों पे उतारा जा रहा है, ट्रेनों में उतारा जा रहा है, फरीदाबाद के अंदर कार से उतार ली हिंदू बच्ची, मुसलमान जिहादी के साथ बैठी थी, हमारी बहन बेटियां रोकेंगे चाहे कितना भी बोल ले वो, क्योंकि हमारी बच्चों को इन्होंने केवल ऑफ केवल नैरेटिव में फंसा रखा है, इनको दिखा रखा है कि मैं वो नहीं हूँ। 57-58 कंट्री इस्लामिक लगी हुई है देश को गजवा हिंद बनाने में,
केवल ऑफ केवल हम 100-110 करोड़ हिंदू हैं, इस देश को गजवा हिंद नहीं होने देंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अपनी बच्चियों को और अपने अपने आने वाली जनरेशन को हिंदू राष्ट्र देकर के जाएंगे। एक बात मुझे बताइए, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो अलग विचार रखते हैं, वो अपनी विचार जो हैं वो अपनी विचार को रख पाते हैं, जैसे मैं उदाहरण दे दूं स्वरा भास्कर होगी, वो अपनी बात रख लेते हैं, लेकिन यश दयाल अपनी बात नहीं रख पाता, क्यों? भाई यश दयाल के साथ हैं, भाई के ऊपर प्रेशर बनाया, हम सपोर्ट में है, बिल्कुल खुल के सपोर्ट है, हमें कुछ कह ले, हम डालते हैं पोस्ट, हमारे तो पोस्ट पे कोई ना कुछ करता और कहता है तो भैया ऐसी ऐसी गालियां देते हैं, ऐसी ऐसी गालियां देते हैं ना, उनको शर्म आने लगती है भाई साहब, बढ़िया बढ़िया वाली गाली देते हैं भाई साहब। ये देश ना, ये देश इनके बाप का नहीं है, ये देश हमारे भगवान राम का है, कृष्ण का देश है, ये जिहादियों का देश नहीं है, जिहादियों का देश पाकिस्तान दे दिया गया है। लेकिन वही यादव के अगेंस्ट में तो यादव भी खड़े हो रहे हैं ना, आप लोग कहा जा रहा है कि आप जैसे जो लोग हैं उनका दिमाग सड़ चुका है। मैंने क्या बोला था आपको, मैं यादव नाम लेकर के मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा भाई साहब, किसी जाति का, मैं बोलूंगा औरंगजेब की औलाद है ये, नाजायज औरंगजेब की औलाद, ठीक है जी। अमित जी मुझे एक बात बताइए कि यश दयाल ने जो पहले पोस्ट डाला उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए यही सोचते हैं, इस देश के अंदर ना एक नैरेटिव है, जब हिंदू बेटी को मारने वाला मुसलमान होता है ना, और इस देश के अंदर आतंकी घटनाओं को करने वाला एक मुस्लिम होता है, तो देश के अंदर एक नैरेटिव बनाया जाता है। कैसा होता है नैरेटिव समझना आप, कि आतंक का धर्म नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पहले बोलते हैं धर्म नहीं होता, फिर कहते हैं मजहब नहीं होता, आतंकी आतंकी होता है, ठीक है, हम कहते हैं आतंकी आतंकी होता है, तो कहाँ मर गए हो तुम लोग, क्यों अभी तक उस साक्षी बेटी के पास की नहीं पहुँचे, क्यों नहीं पहुँचे? और जब साक्षी बेटी को मारने वाला आप ही के विशेष समुदाय, जिसको आप विशेष समुदाय कहते हैं, शांति प्रिय कहते हैं, उन्हें शांति प्रिय कहते हैं, जिन्हें अशांति ही प्रिय रहती है, जो कभी शांति का काम नहीं करते हैं उन्हें प्रिय ही अशांति होती है। जब हमारे देश का कोई क्रिकेटर अगर उस फीलिंग को समझ रहा है कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, और गलत इतने स्तर पे हुआ है कि आज वही नैरेटिव जो गैंग है वो क्या कह रही है कि इस्लामोफोबिया हो गया, ये इस्लाम के खिलाफ हो गया, अगर ये पोस्ट वास्तविकता में इस्लाम के खिलाफ है तो मैं धन्यवाद करता हूँ ट्रोलरों का कि चलो तुमने माना तो सही कि एक खिलाड़ी ने पोस्ट की और वो इस्लाम के खिलाफ थी, तो हमने भी अब जान लिया कि देश के अंदर आतंक और दुर्दांत तरीके से ऐसी हत्याएं करने वालों का धर्म भी फिर इस्लामी है, क्योंकि तुम मान रहे हो ये, तुम बता रहे हो और तुम ट्रोल कर रहे हो, किसको ट्रोल कर रहे हो, एक खिलाड़ी को, अरे वो खिलाड़ी बेशक 5 छक्के खा गया, उसने अपनी पीड़ा जाहिर की और उसमें आपने क्या करा, क्या करा, उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया, अरे देश के हिंदुओं ये देखो कि किस प्रकार ये लोग अपने नैरेटिव को चलाने के लिए इस्लामोफोबिया को बीच में ला रहे हैं, किस इस्लामोफोबिया को, जिसकी बात करने के लिए हमें सेकुलर बनाया गया है, क्या बनाया गया, सेकुलर, अरे तुम सेकुलर हो, तुम हिंदू की बात करोगे, तुम मुसलमान की बात करोगे, तो ये देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, आप सेकुलर हो, अरे भाड़ में गया तुम्हारा ऐसा सेकुलर बात, ये तुम्हारा सेकुलर था, तुम्हारा केवल चुनाव का अमली जामा था जो तुमने चुनाव के अंदर वोट प्राप्त करने के लिए, सरकारों को बनाने के लिए, हिंदुओं को मूर्ख और नपुंसक बनाने के लिए तुमने सेकुलर बनाया, नहीं, भारत का हिंदू ना तो नपुंसक था और ना कभी है। और रह गई बात इन जैसों की, जो अपनी राजनीति सेकुलरता और इस्लामोफोबिया को बीच में लाकर डराने का काम कर रहे हैं, तो देश के अंदर हिंदू अब डरेगा नहीं। सीधी सी बात है, भारत के युवाओं ने ठान लिया है कि हिंदू संकल्प लेगा, हिंदू राष्ट्र का जवाब देगा ऐसे लोगों को जो समय आने पर एक आतंकवादी का भी मजहब ना मानने वाले कृत्यों को हमें समझाने का प्रयास करते थे। ये तो धन्यवाद करो इनका कि इन्होंने कहा है कि इस्लामोफोबिया है, अगर वो पोस्ट इस्लामोफोबिया है तो ये सत्य है कि देश के लोगों को जानना होगा उस बेटी को मारने वाले भी वो उसी मजहब से थे जिसके नाम से फोबिया का डर बैठाकर उसको पोस्ट को डिलीट करवा के एक खिलाड़ी से माफ़ी मंगवाई है। अरे मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आप मत डरो किसी से, ये देश का युवा तुम्हारे साथ खड़ा है और खेल से तुम्हारी पहचान है, उन जाहिल जिहादियों से पहचान नहीं है। ये याद रखो, देश के अंदर अगर तुम सत्य का साथ दे रहे हो, सत्य की बात को रख रहे हो, तो डरने की किसी से जरूरत नहीं है। किसी के माँ ने वो माई का लाल पैदा नहीं किया जो हमें सत्य बोलने से रोक देगा, किसी ने पैदा नहीं किया, सत्य जो है वो रहेगा। और इन्होंने स्वीकार कर लिया है उस पोस्ट के माध्यम से कि इस्लामोफोबिया इस देश के अंदर
डर के रूप में, कैसे हिंदुओं को डराने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये देश के अंदर समझना होगा देश के हिंदुओं को। आपको क्या लगता है ये पोस्ट सही थी या गलत? बहुत शानदार, बेहतरीन, सच को सच। ये आपने कहा क्यों केरल स्टोरी किस बेस पे बनी, वो भी तो लव जिहादी है। लड़कियों को अपने प्यार के भरोसे में लेके ISIS आतंकवादियों के सामने परोस देना, 38,000 लड़कियां केरल से और ना जाने भारत में कहां कहां से, यहां पर साक्षी, श्रद्धा, कई लड़कियां जो इतनी निर्लज्ज हत्या जिनकी कर दी गई। और ये जो जहर मुसलमानों के अंदर भरा हुआ हिंदुओं को मारने के प्रति, और ये जो ट्वीट और ये जो इन्होंने शेयर जो पोस्ट इन्होंने वापस लिए, मैं आपको बता दूं या मेरे भाई कही थे कि हिंदू जाग गया है। कुंभकर्ण की नींद के बाद अगर कोई सोया है तो वो हिंदू समाज ही सोया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के।